सारे गेहूँ ना मम्मी ने धो दिए हैं, क्योंकि इनमें ना दवा वगैरह डाले रहते हैं ना। के 2 बज चुके हैं और हम लोग ना मंदिर में, मंदिर के लिए निकल चुके हैं। मंदिर मेरी यहाँ से ना चाची भी आ रही है हमारे साथ मंदिर, तो हम लोग ना मंदिरों पहुँच चुके हैं और मंदिरों पहुँच हम लोगों ने ना खाना वाना खा लिया। और खाना वाना खाने के बाद ना इतना ज़्यादा गर्म होने लग गया ना, मैं आपको बता नहीं सकती। जैसे अप्रैल अभी शुरू नहीं हुआ है लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। हम लोग हैं अपने पुराने वाले घर पर और वहाँ है हमारी बकरियाँ। सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। मैं अंजलि कार्की फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के अपने नए ब्लॉग में। सुबह के 6 बज चुके हैं, नहाना धोना हमारा हो चुका है, अब निकलते हैं कमरे से बाहर। और बाहर आ चुकी है हल्की फुल्की धूप, क्योंकि आजकल ना दिन बड़े हो चुके हैं तो जल्दी से सुबह हो जाता है। दरवाजा अच्छे से खोल लेते हैं। सामने से आ चुका है सूरज और हल्का फुल्का बादलों से घिरा हुआ है और हमारे कालीनाग देवता है सामने से। तो आज का मौसम भी देख लीजिए आप कुछ किस तरह का हो रखा है। आजकल ना सुबह के टाइम में बहुत ज़्यादा कोहरा टाइप का छाया रह रहा है और चिड़ियाओं की आवाज़ तो आप सुन ही सकते हो अलग अलग। हमारी अनुपास सुबह सुबह मुंह धो रही है, अपना मुंह धुली करी और धो बाबू, आज से मुंह धुली करो, मुंह धुली धुली करो, मुंह धुली धुली करो, तुम मुंह धुली। आप कौन फोगने अनुभा को ना आजकल दूध पिलाने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है, मतलब पानी देना पड़ रहा है एक जग में, तो ये जग से फिर गिलास में डालेगी, गिलास से जग में डालेगी और हम इसको दूध पिलाते रहेंगे। और यहाँ पर मम्मी के साथ बैठकर ये खेलने में लगी हुई है, अपना मुंह धोने में लगी है। सुबह के 10 बज चुके हैं, हमारा नाश्ता वगैरह भी हो चुका है और 10 बजे के टाइम में ना 12 बजे वाली धूप लग रही है बहुत ही ज़्यादा तेज। और सबका यहाँ पर अलग अलग काम चल रहा है, मम्मी का काम चल रहा है गेहूँ धोने का, तो गेहूँ धो के ना मम्मी उनको सुखा रही है। सारे गेहूँ ना मम्मी ने धो दिए हैं क्योंकि इनमें ना दवा वगैरह डाले रहते हैं ना, दवा मखोल, हाँ काला काला, तो ये चीज़ें डाले रहते हैं, इसलिए ना गेहूँ पीसने से पहले ना हम लोग हमेशा यहाँ पर धो लेते हैं। तो बाहर से मम्मी ने सुखा दिए हैं और अनुभा का काम चल रहा है यहाँ पर पानी में खेलना, अनुभा को ना आप नहलाना है। और आज ना हमारे वहाँ पर जो देवीधार का मंदिर था जो मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में दिखाया था, वहाँ पर ना भंडारा भी होने वाला है। वैसे जो ये भंडारा है ना होलिका दहन के दिन होता है, लेकिन आज ना हमारे होलिका दहन के दिन हमारे वहाँ पर किसी का नामकरण था तो उस वजह से नहीं हो पाया और आज भी होने वाला है। तो देवीधार का मंदिर ना वो सामने से है, वहाँ आपको दिख रहा होगा और आपको पुरानी वाली वीडियो में दिखाया भी है। अगर टाइम हुआ तो आज हम लोग दिन में जाएंगे और आपको वहाँ दिखाएंगे किस टाइप का भंडारा होता है और क्या क्या वहाँ पर करते हैं। फिलहाल मैं अनुभव को नहलाती हूँ और सीधे आपको ना तभी मिलेंगे आप जब हम लोग मंदिर को जाएं। दिन के 2 बज चुके हैं और हम लोग ना मंदिर के लिए निकल चुके हैं, मंदिर के भंडारे के लिए। और आज हम लोगों ने ना सूट की अदला बदली कर रखी है, मतलब मम्मी वाली सूट मैंने पहन रखी है और मेरी वाली सूट मम्मी ने पहन रखी है। चलो चलो आप आगे से चलो। तो मेरी वाली सूट ना वैसे मम्मी पर ज़्यादा अच्छी लग रही है, एक दूसरे की आज बदली करके लाए हैं। और अपना रास्ता थोड़ा ऐसे गिरने वाला है तो सीधे नीचे जाके ब्लॉग बनाते हैं। यहाँ से ना चाची भी आ रही है हमारे साथ मंदिर, तो हम तीन के तीन सास बहु हैं एक साथ जा रहे हैं और पता नहीं चल रहा कौन सास है कौन बहू है, सब एक जैसे लग रहे गाइस। और अनुभव उधर अपने बुबू के साथ पहले ही आ चुकी थी ना, तो अनुभव वहाँ पर बुबू के साथ घूम रही है। मंदिर में ना किसी के ऊपर देवता आए थे लेकिन हमारे पहुंचने तक ना देवता आके जा चुके हैं, पता नहीं क्या क्या चमत्कार दिखाए देवता ने। हम लोग ना मंदिरों पहुंच चुके हैं और मंदिरों पहुँच कर ना खाना वाना खाने के लिए हम लाइन में बैठ चुके हैं। सभी लोग ना खाना खाने में बिल्कुल मस्त हैं और सब अपने अपनी लाइन में बैठ के खाना खा रहे हैं। तो मैं छोटी सी क्लिप ना आपको दिखा देती हूँ चारों ओर की और उसके बाद ना हम सीधा खाना खाने के बाद आपसे मिलते हैं। जो खाना बनता है ना वो बड़े बड़े डेकों में बनता है, तो यहाँ पर ना खाना तो डेकों में लगा दिया है और लोगों को ना यहाँ से ये ताऊजी बांटते भी रहेंगे। हम लोगों ने ना खाना वाना खा लिया और खाना वाना खाने के बाद ना हम लोग जा रहे हैं घर को। और अनुभा ने पूरी की पूरी पूरी डाली है मुँह में, निकालो उसको।
खाना वाना खाने के बाद ना हम लोग आ चुके हैं घर को और हाथ में ला रही हूँ मैं लोटा, क्योंकि इसमें ना सब्जी बाकी थी वो मिल रही है और सभी लोग ला रहे हैं ऐसे। और लेकिन अभी ना मंदिर में प्रसाद भी मिलता है, तो प्रसाद लाने के लिए ना पापा वहाँ पर रुके हैं और वो बाद में आएंगे प्रसाद लेके। मंदिर से हम लोग घर आ गए और ना मंदिर से घर आते वक्त अनुभा आमा की गोद में आई, हाँ माँ का चश्मा, तो ना अनुभा मम्मी की गोद में आई और अनुभा घर आते ही खेलने लग गई है ना, घर आते ही खेलने लगी ना। और अनुभा को ना गाइस घर आके पता नहीं क्या हुआ, जैसे घर आए ना इसको एलर्जी हो गया, इसकी पूरी पीठ में ना और मतलब पूरी बॉडी में ना इस टाइप के कुछ दाने निकल चुके हैं, पता नहीं किस बात के दाने हैं इस टाइप के, मुझे पता भी नहीं लग रहा। और इसको ना ये रात में सो नहीं पा रही, इतना खुजली कर रही है, और एक तो ये गर्मी में रहने की आदत की नहीं है ना, इसलिए शायद इसलिए भी इसको हो रहा होगा। क्या कर रहे हो आप? गर्म होने लग गया ना, मैं आपको बता नहीं सकती, जैसे अप्रैल अभी शुरू नहीं हुआ है लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि आपको क्या बताऊँ। क्या गया मुँह में? और पीछे से ना मेरा कार्टून देखो, मुझे हमेशा परेशान करते हैं ता हमेशा ना परेशान करते रहते हैं बस बिल्कुल। तो अब ना थोड़ी देर इसको फीडिंग वगैरह कराती हूँ और इसको सुला देती हूँ अगर ये सोती है तो उसके बाद हम ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। गाइस मेरा इतना ज़्यादा मूड ख़राब हो रखा है ना, मैं आपको बता नहीं सकती, मतलब इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे, मैं कि क्या कहूँ आपको। और ये गुस्सा जो मेरा है ना वो है अमेजोन ऐप के लिए, क्योंकि मतलब अमेजोन से ना मैंने एक सामान ऑर्डर किया था और वो मैंने 8 मार्च को ऑर्डर कर दिया था। मैं आपको ना उसकी स्क्रीन शॉट भी आपको आपके साथ शेयर करूँगी और आप देख सकते हैं उसको कि मैंने 8 मार्च को वो ऑर्डर किया था और 22 मार्च को मैं लोहाघाट से पिथौरागढ़ के लिए निकली थी और तब तक मैं देखी की थी मेरा ऑर्डर आएगा, पर मुझे वो मिला नहीं ना, फिर मैंने मार्केट से ले लिया था। और मैंने ऐसा सोचा था ना कि अगर ये मुझे मिल जाएगा तो मैं उसको कैंसिल करा दूँगी, लेकिन वो जो ऑर्डर था ना मैंने आज ट्रैक किया और वो 18 मार्च को डिलीवर दिखा रहा था, जबकि मैंने 18 मार्च को जब देखा था ना तब वो दिखा रहा था कि रीच डेट महाराष्ट्र कोरियर सेंटर में तब पहुंचा हुआ था और तब मुझे वो मिला नहीं था, लेकिन अभी उसमें ऐसा दिखा रहा है ना कि 18 मार्च को डिलीवर हो चुका है, और जबकि मुझे ना आइटम नहीं मिला है। तो मुझे समझ में नहीं आता ना कि अमेजोन जो कंपनी इतना फ्रॉड कैसे कर सकती है, मतलब किसी को अगर हम कुरियर दे रहे हैं ना तो उससे OTP लेनी पड़ती है, कि मतलब उससे OTP पूछी जाती है, वो लोग OTP लेते हैं, पर ना मुझसे ना कोई OTP ली ना कुछ भी लिया, बस मेरा ऑर्डर दे दिया और मुझे मेरा ऑर्डर अभी तक मिला नहीं। अब जाने वो ऑर्डर किसको दिया है, और उसका पेमेंट भी मेरा ऑलरेडी हो चुका था और ना ही वो लोग ना पेमेंट वापस दे रहे हैं। अब तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना कि मतलब हम एक एक पैसा इतनी मेहनत से कमाते हैं और ये फ्रॉड वाले लोग ना ऐसे हमारे पैसे ले लेते हैं कि क्या ही कहूँ माँ बाप से। मैंने इसमें कस्टमर केयर में भी बात की तो वो ऐसा बोलते हैं ना कि हम लोग इसमें अब कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं, मतलब देखो ना उनके मतलब डिलीवरी एजेंट बिना OTP लिए किसी को मतलब उन्होंने मेरा सामान हैंडओवर करा दिया और उसके बाद वो मुझे पेमेंट भी वापस नहीं करेंगे, ना तो मुझे सामान मिला ना मुझे पेमेंट मिला, मतलब इस बात से मुझे इतना गुस्सा आ रहा है और इतना मूड ऑफ भी हो रहा है ना कि मैं क्या कहूँ। और ऐसा स्कैम ना मेरे साथ 2 बार हो चुका है, एक बार पहले भी जब मैंने कोई फ़ोटो फ्रेम मंगाया था तब भी हुआ था, तो तब भी मैंने बहुत बार इनसे बात की थी लेकिन उन्होंने बोला कि विद इन 2 or 3 working days में आपकी पेमेंट मतलब जो आपने पेमेंट किया था वो रिफंड हो जाएगी, पर वो तब भी नहीं हुआ। और आज तो ना मुझे इतना गुस्सा आता है और वो लोग ऐसे बोलते हैं ना कि मतलब हम लोग कुछ नहीं कर सकते इस पर, और पता नहीं कैसे डिलीवरी एजेंट रखे हुए हैं जो बिना OTP के किसी का भी सामान किसी को दे देते हैं। सच में मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना गाइस, मतलब क्या करना चाहिए। ऐसा ही मेरे साथ ही नहीं मतलब बहुत सारे लोगों के साथ होता है, और मैं इतना मतलब इतना बुरा फील हो रहा है ना मुझे। और आज के बाद ना सच में मैं तो अमेजोन से कभी कोई मतलब कोई शॉपिंग करने वाली ही नहीं हूँ अमेजोन से। आजकल मुझे अनुभा इतना ज़्यादा परेशान करती है ना, इतनी बार कपड़े भिगा रही थी, तो अनुभा के ना अभी मैंने कपड़े पहले दिन में चेंज किया था जब हम मंदिर गए थे, उसके बाद उसने वो भिगा दिए और दोबारा चेंज कर दिया। अनुभा गई है ऊपर मम्मी के साथ बकरी वकरी देखने के लिए, तो हम लोग भी ना ऊपर चले जाते हैं एक बार। मंदिर से आने के बाद ना पहले मैं बहुत ज़्यादा सैड थी, लेकिन अभी ना थोड़ा राहत मिली, खुशखबरी कि जो मेरा पार्सल था ना वो किसी शॉप पर रख के चला गया था, मतलब सोचो ना डिलीवरी एजेंट कैसा था, रख के चला गया था और मुझे एक बार बताया भी नहीं, ना ही मेरे उसमें फ़ोन किया कि तुम्हारा पार्सल आ गया है, ना ही मुझसे OTP पूछी और भूल गया बता मतलब ना ही मुझे OTP पूछी और बताया तक नहीं कि तुम्हारा पार्सल आ गया, और ना मुझे मिला भी नहीं। लेकिन अभी ना हमने वो डिलीवरी एजेंट का नंबर लिया, फिर उसने किसी और का नंबर दिया और फिर उसने बताया ना कि वो पार्सल मैंने किसी शॉप में रखा हुआ है, आप वहाँ से ले लेना। चलो फिलहाल हमें पार्सल मिल गया है, लेकिन ना मुझे एक चीज़ बहुत गंदी लगी कि जैसे मैंने अमेजोन के कस्टमर केयर में बात की ना तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जबकि उनको ना ये चीज़ करनी चाहिए थी। तो इस बात से ना मुझे इतना गुस्सा आया, अभी भी आ रहा है उन पर, और ना सच में मैं उनसे
कभी भी वहाँ से कोई भी शॉपिंग नहीं करी। हम लोग हैं अपने पुराने वाले घर पर और वहाँ है हमारी बकरियाँ। तो हमारी ना बकरी के बच्चा हो रखा है, तो दो बकरियाँ हैं, दोनों बकरियों के बच्चे हो रखे हैं। एक के बच्चे हो रखे हैं तीन और एक के बच्चे हो रखा है एक। तो एक का बच्चा है ये काला वाला और बाकी के बच्चे ना मैं अभी आपको दिखाती हूँ। बच्चे हुए हैं तीन और एक है वो अनुभा के पास जा रहा, एक मेरी गोद में और एक है ये। तो तीन की तीन बकरी के बच्चे हैं ना अभी अनुभा के पास गई हुई है, क्योंकि अनुभा को ना इनके साथ खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है और अनुभा ना इनके साथ बहुत ज़्यादा खुश रह रही है। पर ये तीन के तीन ना शायद अब जाने वाली है और हमारा गोलू यहाँ पर खुश हुआ है बिल्कुल। अभी अभी ना हमें एक बर्थडे का निमंत्रण आया है, तो मम्मी और अनुभा तो चले गए हैं बर्थडे में और मैं अभी यहाँ पर घूम रही हूँ। और बर्थडे का निमंत्रण ना हमें अभी अभी आ रखा था, तो वैसे बर्थडे का निमंत्रण मुझे और अनुभा को आ रखा था, लेकिन वो थोड़ा दूर है ना और फिर अगर मैं वापस आती तो थोड़ा हल्का फुल्का अंधेरा भी हो सकता था, इसलिए मम्मी चली गई अनुभा के साथ और मेरा जाने का मन भी नहीं कर रहा था। और मैं घूम रही हूँ अभी यहाँ पर, खुला खुला यहाँ पर ग्राउंड टाइप का है और इतनी अच्छी हवा चली है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर घूमते हुए। अभी आजकल ना मौसम भी थोड़ा गर्म होने लग गया है, लेकिन ऐसे शाम के टाइम में घूमते ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। ढलती हुई शाम का ना गाँव का आपको नज़ारा दिखा देते हैं, ढलती हुई शाम और गाँव का नज़ारा कितना सुंदर लगता है। अब ना शाम का टाइम भी हो चुका है, तो आज के ब्लॉग को ना हम यहीं पर ख़त्म कर देते हैं और आई होप कि आप सभी को ब्लॉग पसंद आएगा। अगर ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे कल एक नया ब्लॉग लेके, तब तक के लिए कीप वॉचिंग अवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।